राम राम भाई लोग, कैसे हैं आप सब? मजे में? तो भैया जी, थंबनेल देखकर आप सब समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। फिर भी मैं आप सबके लिए एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। आज की वीडियो सुरेश चानके जी की थग लाइव वीडियो होने वाली है, जो कि सुदर्शन न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ हैं। मुझे मालूम है आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट चाहते हुए भी मैं इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सका। और आप लोग वीडियो पूरी देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। तो आइटम गर्ल हैं आपकी, जैसे फिल्मों में होती है। अगर आप हमें गाली नहीं देंगे, हमें सांप्रदायिक नहीं कहेंगे, देशद्रोही नहीं कहेंगे, पाकिस्तान चले जाओ नहीं कहेंगे, तो आपकी दुकान कहाँ चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे सिवा कोई माल है ही नहीं आपके पास। नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे मजबूत विरोधी कहाँ मिलेगा आप? आप क्यों बोलते हैं? चलिए, हमें शौक है आइटम गर्ल का आइटम सॉन्ग देखने का। आप नाचना बंद कर दीजिए, हमारा शौक बंद हो जाएगा। काम इंटरव्यू लेना आपका बड़ा आसान काम है। जहाँ पर प्रोफेशन दिखाना है वहाँ पर प्रोफेशनल हो जाओ, जहाँ पर राजनेता बनना है वहाँ पर राजनेता हो जाओ। ये आप करते हो। जहाँ इंसान बनना है इंसान बन जाते हो, जहाँ जर्नलिस्ट बनना है वहाँ जर्नलिस्ट बन जाते हो। हाँ हाँ, लेकिन आतंकवादी समर्थक नहीं बनते। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले औसम। आतंकवादी का कोई मजहब या कोई धर्म नहीं होता। क्यों ऐसा बार बार आप लोग कहते हैं ऐसा? वो बेचारे तो वहाँ 72 हुरो के लिए अपनी जान देते और आप कहते हैं कि आप वो मुसलमान नहीं है। 72 मैं आपको मिलवाता हूँ कांग्रेस के कद्दावर नेता महासचिव दिग्विजय सिंह जी से। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको आपके नाम के साथ सिर्फ दिग्विजय सिंह इसलिए लगा पाया कि मैं श्री लगाऊं, मोहम्मद लगाओ, क्या लगाओ, कंफ्यूज था। खत्म। दिग्विजय सिंह एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा व्यक्ति और एक देश की आत्मा को समझने वाला शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य जी का दीक्षित शिष्य। अच्छा, ये परिचय टीवी पे तो दिखता नहीं लोगों को, क्योंकि आप दिखाना नहीं चाहते। मैं तो क्या, बाकी चैनल पे नहीं दिखाना चाहते। गया। मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। आई क्लेम फॉर टू बी प्राइम मिनिस्टर। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। बिल्कुल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और कहते हैं या तो पागल खाने भेजो हमें या प्रधानमंत्री बनाओ। इंसल्ट ना करें हमें। अच्छा। पूरे राजनीतिक जीवन में एक दाग दामन पर नहीं। आरएसएस के साथ एक बड़ी परेशानी यह है कि वो फुटपाथ पर रखा हुआ जो इतना सा किताबचा होता है उसे पढ़कर आरएसएस का कार्यकर्ता बनता है। इनसे कहिए इतिहास पढ़ें, और इतिहास पढ़ने के लिए बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ती हैं। इतिहास किसका पढ़े? चाटुकारों ने लिखा हुआ इतिहास पढ़ के क्या फ़ायदा है? इतिहास वो पढ़ना चाहिए जो सच्चा था। हाँ हाँ सर, बात करनी है। बिल्कुल, आप मेरे से बात कर रहे हैं। मैं सुरेश चौहान के, बोलिए। हाँ, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। हाँ वाह, बोलिए। अस्सलामुअलैकुम। बोलिए। अस्सलामुअलैकुम। इसका जवाब क्या देना है? दुर्भाग्य से मुझे पता नहीं, लेकिन वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मालिकुम सलाम कहिए, राम राम कहिए। जी वालेकुम अस्सलाम कहिए। बिल्कुल, वालेकुम सलाम कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैं 33 करोड़ भगवानों को मानता हूँ। 2-4 भगवान और मेरे लिए उतने ही पूज्य है जितने 33 करोड़ है। आपको भी राम राम कहना चाहिए मेरे जवाब में। अस्सलाम वालेकुम का मतलब है कि आप पे रहमत नाजिल हो। बिल्कुल, मैं आपका आभारी हूँ। आप मेरे पे भगवान को रहमत करने के लिए कह रहे हैं, मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन मैंने राम राम कहा है तो आप भी राम राम कहिए। नहीं, मैं कैसे राम राम कहूंगा? तो चलिए, फिर भी राम आपका भला करे मैं कहना चाहता हूँ। और फिर भी भाई साहब, आपने कहा कि मैं कैसे राम राम कहूँ, आपने तो राम राम बोल दिया। अरे भाई, फोन काटने की जरूरत नहीं। तो आपकी लोकप्रियता के बारे में भी मैंने बताया कि पाकिस्तान में भी बहुत लोकप्रियता, इस पर भी कुछ कहना है? मैं आज तक पाकिस्तान नहीं गया, लेकिन आप वहां से चुनाव लड़ेंगे तो मैं दावा करता हूं आप नवाज शरीफ को हराएंगे। आप आज कमेंट्री पे कह रहे हैं कैमरे पे कि शिवसेना के साथ आप विधानसभा में और लोकसभा में साथ नहीं जाएंगे। सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। हमें अब ऐसे तथ्य मिले हैं कि कठमूल्य इस्लाम लोगों को, मुसलमानों को धर्म के नाम पर बरगला कर कैसे झूठ परोसते हैं। कुरान में या अल्लाह ने कभी कहा ही नहीं है, जो अब तक हमारे रिसर्च कहता है कि आप जितने चाहे बच्चे पैदा करो। मुस्लिम आबादी जिस गति से बढ़ रही है, ये
निश्चित तौर पर इस राष्ट्र हित में नहीं है। 2029 के बाद इस देश का कोई प्रधानमंत्री हिंदू नहीं बन पाएगा। जहाँ जहाँ हिंदू घटा देश वहाँ वहाँ पर बटा, आधा हिंदुस्तान से हिंदू बेदखल हो रहा है और अभी भी कहीं पर इसको लेकर कोई चर्चा है। मैंने गांधी जी से तुलना की। आप क्या चाहते हैं? क्या गांधी जी का सपना पूरा कर रहे हैं? मैं जानता हूँ राहुल गांधी मेरे नेता है, सोनिया गांधी मेरे नेता है और इस जीवन की आखिरी सांस तक वो मेरे नेता रहेंगे। कांग्रेस रहेगी तो ना? दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नहीं रहेगी तो भी कांग्रेस में रहेगा। चलिए ये तो स्वीकार किया आपने कि नहीं भी रह सकती है, कोई बात नहीं। आपके पार्टी में कभी इतने तगड़े हिंदू नेता थे इसलिए बैलेंस था। छोड़ो, बैलेंस आपको इतिहास नहीं मालूम। माफ करेंगे सुरेश जी, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। अब वो इतिहास तो नहीं पता जो गुलामों ने लिखा है। म्यूजिक इतना काम करने वाले की तारीफ करना छोड़ के हर अच्छा कुछ तो मोदी में अच्छा है, कुछ हा? कुछ है तो क्या है? जबरदस्त मार्केटिंग करता है भला आदमी, जबरदस्त मार्केट तो अच्छा है। काले को सफेद और सफेद को काला बता देता है, जबरदस्त मार्केटिंग करता है। इतनी अच्छी है ये, जबरदस्त अच्छा है ये, जो सफेद को काला प्रमाणित कर दे और काले को सफेद प्रमाणित कर दे, इससे बड़ा मार्केटिंग गुरु कोई हो सकता है? हार्वर्ड में पढ़ाना चाहिए उनको। आपने तो 65 साल यही किया। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। था और बड़े काम किए। बापू का एक भजन है, रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये सिर्फ मंदिरों में होता है, मस्जिद में नहीं होता। ऐसे इसको समझाइए, ये मस्जिद में कब होगा? मस्जिद में होता है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये कब होगा? ये क्लिप उन नमूनों के लिए थी जो कमेंट में आके कहते हैं कि नफरत क्यों फैला रहे हो। तो भाई कभी मस्जिद में ये भजन बजाओ, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। यहाँ पे आजम खान कुरान की बात कर रहा है। हर हर शब्द पर हमारा ईमान है, अगर एक शब्द हम नहीं मानते तो हम मुसलमान नहीं हैं। कुरान कहता है 120,000 पैगंबर आए हैं। और हमारा क्या है, यहाँ तो आधे से ज्यादा हिंदू अपने देवी देवताओं का अपमान करते हुए मिल जाएंगे। कुछ सीखो भाई इनसे। आज आप मुख्यमंत्री हैं, नाम के नहीं है बस, सारी सरकार चला रहे हैं। अच्छा, अब आपका ये षड्यंत्र भी है कि मैं मंत्री से भी निकाला जाऊँ? नहीं, आपको तो प्रधानमंत्री बनना होगा तो ये मंत्री तो छोड़ना होगा। पहले तो आप हमारे विचारों के साथ हो जाएंगे क्योंकि हम इतने अच्छे इंसान हैं। नहीं देखिए, हमारा अपना होने के लिए आपको बहुत बदलना पड़ेगा। क्या बदलना? बस कुर्ते का रंग ही तो बदलना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, कुर्ते रंग की कोई बात नहीं है, ये तो क्या है? मुझे तो बड़ा विशेष लगा कि आपने काला रंग क्यों पहना है, आईएएस वाले पहनते हैं उधर। बच्चे के बाद टेनिस खेलने जाता है, स्विमिंग करने जाता है, 18 घंटे काम। और हमारा प्रधानमंत्री देश में रहता ही नहीं। नहीं, कहीं भी रहे, देश के लिए है, देश के लिए है, इससे ज्यादा क्या। अफगानिस्तान चले जाएं, बिना बताए पाकिस्तान चले जाएं, किसी के साथ बैठ, सऊदी अरेबिया चले जाएं, ईरान चले जाएं, वो बताइए। ये सारे दुनिया के मुसलमान मोदी से प्रेम करते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं करते। क्या भारत के अंदर के मुसलमान नहीं करते ना? बगैर एक रुपया लिए दे रहे हैं। और आपके देश के प्रधानमंत्री, आपके देश के नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, चलिए चलिए नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री। ऐसा कानून जिसमें देश का प्रधानमंत्री नेशनल इंटरनेशनल क्लियरेंस लिए बगैर दुश्मन मुल्क में जाकर अपना जहाज उतार दे, अगर कुछ हो जाता, अगर प्रधानमंत्री को जरा सी फांस लग जाती, हिंदुस्तान में लाखों मुसलमान मार दिए गए होते। अच्छा, आपको ये चिंता है, मुझे लगा बार बार आप मोदी जी की चिंता क्यों कर रहे हैं कि बगैर सिक्योरिटी गए, आपकी चिंता भारत के मुसलमानों की। मोदी जैसी बात मत करो कि 15 लाख ला के देंगे, अभी आ गया है, आ रहा है, आता है। अरे ये तो जुमला है, अरे ये जुमला है, नहीं, जुमले तो आपके भी हिंदुस्तान में बहुत देखे, 60 साल में इतने जुमले देखे। 60 साल छोड़ी, आपकी उम्र 60 साल की नहीं तो आपने कैसे देखे? तो इतिहास तो हम भी देखते हैं ना, इतिहास। आपकी उम्र तो इतनी है नहीं, बाबर की बात करते हैं आप, आपकी उम्र तो इतनी नहीं कि आपने बाबर देखा है। आप कहते हैं सन्स ऑफ बाबर, उसमें आप अकबर का महिमा मंडन कर रहे हैं, किन किन लोगों का महिमा कर रहा हूँ? अकबर का इसलिए कर रहा हूँ कि अकबर ने इस देश में एक नई संस्कृति बनाई थी, हिंदू मुस्लिम एकता की। महाराणा प्रताप को छोड़ो, समझ रहे हो ना?
नहीं, समाज तो वैसे भी डरा हुआ है कि 35 सालों बाद जब मुसलमान हिंदुस्तान में ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, वो वैसे भी डरा हुआ है। मुसलमान चार शादियां करना शुरू कर दें तो 35 साल में नहीं और पहले हो जाएंगे। हाँ, लेकिन कर ही रहे ना। कहाँ कर रहे हैं? आपका आपका कहना है 5-6 से 4 पे आ जाए। कहाँ? नहीं, 5-6 की तो इजाजत ही नहीं है। अच्छा, 4 की है। चार की है, कहाँ करते हैं? और 4 के 44 की है, 40 की। मैं नहीं कर सका, दूसरा कौन हिम्मत करेगा। नहीं, ऐसे जो ज्यादा बोलने वाले होते उनका घर में कम चलता है। राष्ट्रध्वज होगा, 220 फीट ऊंचा होगा और 15 अगस्त को हम ही इसे चढ़ाएंगे। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि हिंदुस्तान का तिरंगा राष्ट्रध्वज जो सबसे ऊंचाई पर आप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री का दावेदार हूं, आप मुझसे बड़ा देशभक्त कौन है? लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने भी यही कहा था और बन नहीं पाया तो दूसरा देश बना लिया था। बताए तो कब रोहित सोनिया जी, बताइए। अरे तो एक आध घटना बताइए। जब भी मैंने उनको देखा है, जितना दुख मैंने उनकी आंखों में देखा है इस देश के गरीब लोगों के लिए, उतना दुख मैंने आज तक किसी की आंख में नहीं देखा, आपकी आंख में भी नहीं देखा। मेरे आंख में तो आप देख भी नहीं सकते, कोई बात नहीं। उठाया है तो सोनिया गांधी को आपने जी भारत माता या राष्ट्र माता का कोई दर्जा देने की बात कही थी। कहा था, कहा था, आज भी मानता हूँ, बहुत बहुत गर्व के साथ मानता हूँ। इटली से आई हुई एक ईसाई एंटोनिया माइनो को ये भारत की राजमाता बता रहे हैं, तो भाई इन चमचों से लाख गुना अच्छे हम भक्त हैं। इस देश में इस्लामिक स्टेट खड़ा करने के लिए हिंदू स्टेट खड़ा करना चाहते हैं। हिंदू हिंदू राष्ट्र है ना? हिंदू राष्ट्र नहीं, सुन लो मुझसे, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सेक्युलर राष्ट्र है। ये वो राष्ट्र है जहाँ हमने गांधी का हमने यहाँ भजन गाया है। ये वो राष्ट्र है जिसमें भजन गाया, मुसलमान क्या भजन गाया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे, सबको दे, और नहीं मिल रही सम्मति। ये भजन है ना, केवल मंदिरों में होता है, हिंदुस्तान की नहीं, मस्जिद में नहीं होता। हिंदुस्तान सलमान भाई किसी मस्जिद में जाकर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम एक जैसा बोल के दिखाइए, इस्लाम से बेदखल कर देंगे। सुन लो, इस्लाम से निकाल देंगे। जो ओरिजिनल भजन है वो ये है, रघुपति राघव राजा राम पतिति पावन सीताराम, और गांधी ने इसी भजन को रिमिक्स बनाया, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, और इस भजन को बना के लाखों हिंदुओं को बेवकूफ बनाया है। लेकिन आप कोई यहाँ समझदारी की बात करो, अपनी तरफ लुभाओ मुझे थोड़ा सा, तब हम आएंगे आपके आपके स्टूडियो में भी आएंगे, आपसे दोस्ती भी करेंगे। हम तो ऐसे हैं, लुभाने वाले नहीं है। गांधी के अवतार में आ गए एकदम से। अरे अरे, गांधी, अगर कोई गांधी का मुझे एक तुच्छ सा भगत भी बना दे तो मैं मानूंगा कि मेरा जीवन कामयाब है। नहीं बन सकते ना। अरे मैं जानता हूँ, आप राहुल गांधी सोनिया गांधी के भगत बने हैं। अच्छा, ये बता दो, आप हिंदुस्तान के प्रतिनिधि हो, ये 80% गौ रक्षक जो हैं वो गूंस हैं, वो गुंडे हैं। हम इस विषय पर प्रधानमंत्री से सहमत नहीं है। चलो, प्रधानमंत्री का ये अनुपात गलत है। चलो, 20% भी खराब नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी माने तो प्रधानमंत्री उल्टा बोले हैं। बोले ना उल्टा, तो बस हम यही चाह रहे थे। सीमा ढोक के बता रहा हूँ, और ये कम से कम 10वें कार्यक्रम में बोल रहा हूँ। हम बस यही चाह रहे थे कि यही बता दो, और प्रधानमंत्री इस पर आपसे क्या कहते वो भी हमें बता देना। तो अभी तो बोलिए कि हमारे में हिम्मत है सच बोलने की। किसमें? अभी जो बोल रहा हूँ आपके सामने, सच बोलने की हिम्मत आप में है, लेकिन एक प्रॉब्लम आप में ये है कि सच पूरा समझ नहीं पाते हो, तो जो समझते हो वो बोल देते हो। इरादा तो नेक है। इरादे आपके नेक है, नहीं तो मैं आपसे कैसे बात कर रहा होता। सूरज जी के इरादे तो सच में नेक है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बॉलीवुड के नशेड़ियों को फॉलो करने से अच्छा सूरज जी जैसे लोगों को फॉलो करो और अपने देश और सनातन के लिए कुछ करो। अच्छा है, ये ऐसा अगर सोच रखे तो अच्छी बात है। ऐसी ही सोच है, आपको तो लोग भड़काते रहते हैं, मेरी सोच तो ऐसी ही है, और कैसी सोच है? सोच तो हमारी ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी, और आप मिलते रहोगे तो आप भी ठीक हो जाओगे। कहीं कांग्रेस निकालने दे, इतने ठीक हो जाएंगे आप। आज क्या, हमारे पास 30 मिनट है, आज ये कार्यक्रम 30 मिनट है। अब भारत बचाने आए हो 30 मिनट लेके, उसके लिए तो जिंदगी है और जन्मो जन्म है। चलो, शो का टाइम 30 मिनट है। अच्छा, हिंदुस्तान के लिए तो लाइफ टाइम है। अच्छा, शो खत्म, सब छोड़ के आए हैं। शो खत्म, सब छोड़ के आए, सब छोड़, पीछे जाने का रास्ता बंद करके आए। शिवाजी महाराज कहते थे, बिल्कुल, अगर किला फतह करना है तो वापसी का रास्ता, वापसी का रास्ता नहीं होना। हमारा हमारे हीरो शिवाजी है, बाबर नहीं है। ठीक, वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी के लिए वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगी है
तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं ऐसे ही बजाता रहूँगा। अगर आपके बजट में शामिल हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। आपको ऐसे ही निरंतर वीडियोस मिलती रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो, ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।